पूरा गांव है ना ये बसा हुआ है पानी के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग इसमें रूम लेके रह भी सकते हो ना। अंकल के पास चलती फिरती दुकान है भाई, चलती फिरती नहीं तैरती फिरती। वहाँ पर आके ये एक्सपीरियंस करना लाइफ का सबसे बड़ा और बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। गाइस आप लोगों ने कभी तैरता हुआ गांव देखा है जो पानी के ऊपर तैरता हुआ पूरा गांव? 22 किलोमीटर तक एक ऐसा गांव है जो पूरा पानी के ऊपर तैरता है और पानी के ऊपर घर बने हुए हैं, घर हमेशा तैरते रहते हैं, ठीक है। तो भाई आज मैं बात कर रहा हूँ भाई जम्मू कश्मीर में डल लेक की, डल झील की, जो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। वहाँ पर जितने भी घर है ना उसके ऊपर वो सारे तैरते रहते हैं, चलते फिरते घर है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को वही सब दिखाने वाला हूँ, काफी मजा आने वाला है। फिलहाल मैं अपने रूम में हूँ और अभी यहाँ से मैं चेकआउट कर रहा हूँ वहाँ पर जाने के लिए, एंड काफी ज्यादा मजा आने वाला है गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बोट राइडिंग भी लेने वाले हैं डल लेक की, और काफी अच्छा सीन भी होता है। और अभी यहाँ पर मतलब माइनस में टेम्परेचर है, ठीक है, अच्छा लगता है, यहाँ पर काफी ठंडी है। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर और ऑटो लेके सीधा डल लेक चलता हूँ। आ चुके हैं भाई डल लेक के पास। यहाँ पर जो बोट खड़ी है ना इनसे आपको वहाँ तक ले जाया जाएगा, और जो बड़ी बोट दिख रही है ना वो वाली बड़ी बोट है, उसमें आप लोग रह सकते हो, रात में स्टे कर सकते हो उस वाली बोट में। तो ऐसा सीन यहाँ पर होता है डल लेक के पास, और इनकी स्टार्टिंग प्राइस मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप लोग आओगे तो आप लोगों को 3-4-5 हज़ार 10 हज़ार ही बताया जाता है, पर हाँ 7-8 हज़ार में ये मान जाते हैं, मतलब जनरली मान जाते हैं। अगर आप लोग बात करोगे आपके अंदर भाई बार्गेनिंग की हिम्मत है तो कर सकते हो यहाँ पर। बाकी हम लोग देखते हैं थोड़ा आज, क्योंकि हम लोगों ने रूम ले रखा है ऑलरेडी। गाइज हम लोग आ चुके हैं डल झील के पास, और आज के हमारे जो पायलट है वो अंकल रहने वाले हैं, जो हम लोग कहाँ घुमाएंगे अंकल बता दीजिए। हम आपको गोल्डन लेक दिखाएंगा, ब्यूटीफुल घुमाएंगे। इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, यू डोंट हैव टू सी एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट गोल्डन लेक, इट्स ब्यूटीफुल इन द लेक। इंग्लिश देख रहे हैं इनकी भाई, इतनी तो मेरे को भी नहीं आती। एक सेकंड, एक बार बताऊं, अगर आप लोग कश्मीर आते हो ना डल लेक नहीं घूमते, यहाँ पर कौन सी बोट होती है? मुंबई। What is name boat? Water wheel. सिकारा बोट की राइड ना सब हमेशा करनी चाहिए, आके कश्मीर आके ये चीज तो करनी चाहिए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर सिकारा बोट का राइड करने के लिए फिलहाल आ चुके हैं यहाँ पर। चलो भाई चलो। गाइस अभी हम लोग आगे भाई सिकारा बोट के अंदर, एंड यार एक बात बताऊं, अगर आप लोग कश्मीर आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस जरूर करना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बेटर और मज़ेदार एडवेंचर होता है ये। तो हम लोग तो फिलहाल तो निकल चुके हैं भाई सिकारा बोट का आनंद लेने के लिए, राइड करने के लिए, और आने के बाद काफ़ी तो मज़ा आ रहा है। और उधर देखो पहाड़ है भाई, उसके बर्फ़ के पहाड़ है सामने। तो फिलहाल ये हमको आधा घंटे की राइड करवाएंगे लगभग। ये अंकल भाई दुकान में चाय है, हॉट चॉकलेट है, दुकान चला रखी है भाई बोट के अंदर। क्या बना आपके लिए? कैसे दिया का सामान, वेरी फेमस थिंग हियर। ओके 100 रुपीस। यस बाप रे, क्या बना उसका 20? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे 50 रुपए बोल रहे हैं। अरे वो अंकल कावा की बात कर रहे हैं, कॉफी चाय 30। कल पी लिए चाय कावा उधर गुलमोर में जाके, 20 रुपए का दिया था। कावा में फर्क है ना, केसर वाला है, इसमें ड्राई फ्रूट भी डालना है। इनसे पूछो 20 में दिया था गुलमोर में जाके। यहाँ पर है ना अंकल के पास चलती फिरती दुकान है भाई, चलती फिरती नहीं तैरती फिरती, ठीक है। अभी यहाँ पर अंकल तैरते हुए जा रहे हैं भाई हम लोगों को कावा देने के लिए। व्हाट इज दिस अंकल? कश्मीरी सैफ्रॉन टी। कैसे बनती है? एलमेट वॉलनट केशुनट हनी इसको मिक्स आ रहा है। ओके हर्बल टी, हर्बल टी, हर्बल टी। यस दिस इज कावा ना, यू वांट कावा? यस यस। ओके हमारे पास ये नोट करते जा, नोट किया तूने कुछ? तो गाइस अभी देखो उधर भी एक दुकान है भाई इधर, और ये सारे बोट हाउस है। ओके ये बोट हाउस है, तो यहाँ पर रह सकते हैं लोग। मेरा प्लान था बट अभी मेरा प्लान कैंसिल हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सर्दी है, मैं नहीं रह पाऊँगा इसके अंदर। जो इसके अंदर घूम रहे हैं वही सही है मेरे लिए। तो बाकी अभी घूमते हैं थोड़ा सा कावा पीते हैं, देन उसके बाद चलते हैं। रियली बता रहा हूँ यहाँ पर आके ये एक्सपीरियंस करना लाइफ का सबसे बड़ा और बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। मिशन इंडियन एग्री लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं, काफ़ी मज़ा आ जाता है इस चीज़ को करने में। और गाइस एक बात बताऊँ, अगर आप लोग कश्मीर आ रहे हो ना या आप लोग कश्मीर घूमना चाहते हो तो मे बी ये शायद बेटर टाइम भी है, क्योंकि ऑफ सीजन है तो ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलेगा, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा बेटर है यहाँ पर। और हाँ ये जो घर दिख रहे हैं ना आपको, ये चलता फिरता पूरा गांव है ना ये बसा हुआ है पानी के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग इसमें रूम लेके रह भी सकते हो अपना, मतलब पूरा 24 घंटा यहाँ पर बिता सकते हो इसके अंदर। हाँ या Somebody selling barbecue. No, no.
नो नो यस। तो अभी अपन चलते हैं आगे। ये नजारा है, मतलब मजा आ रहा है इधर। तो फिलहाल थोड़ा मैं रील्स भी शूट कर लेता हूँ गाइस, आप लोगों के लिए चाहिए क्योंकि इंस्टाग्राम भी चल रहा है आजकल मेरा। चलो वीडियो बनाओ गाइस। समीर भैया तो बहस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बट मेरे को काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ये पीछे का जो सीन आप लोग देख रहे हो ना, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है ये। काफी बढ़िया है ये सारी चीजें। और आप लोग अभी आओ ना तो आप लोग बार्गेनिंग कर लेना ना। मैं सिर्फ 200 रुपये में लेके आया हूँ, ठीक है? ये लोग बोलते हैं 1100, मैं 200 रुपये में लेके आ गया यहाँ पर। तो राजस्थानी हो ना, तो राजस्थानी मारवाड़ी का दिमाग तो आप लोगों को पता है कैसा है, ठीक है? तो फिलहाल समीर भैया तो इधर बहस करते रहेंगे और मैं फोटो खिंचवा लूंगा, वीडियो बना लूंगा। तो देखो अभी जो घर दिख रहे ना, ये हाउस बोट है, इसके अंदर लोग रहते हैं अभी, ठीक है? ये इसके अंदर होटल वगैरह बनी हुई है, घर बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं, मतलब रात को है ना सब लोग रुक सकते हैं। रेस्टोरेंट बना हुआ है, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट बना हुआ है इधर। और इधर देखो बहुत सारी बोट इधर भी घूम रही है। तो ये एक्सपीरियंस आप लोगों को बस कश्मीर में देखने को मिले। अच्छा भी एक्सपीरियंस है ये, रियली बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहस कर ली? अभी तो उनको फुर्सत मिल गई बहस करके। चलो उनकी भी थोड़ी वीडियो शूट कर लेता हूँ, वो कब से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कब खत्म होगा उनका। काफी देर घूमने के बाद इसमें सूरज तो पीछे था। हाँ, डन, यस। चलो कोई बात नहीं। अभी देखो ये तो ये है नाइट स्टेगल, ये घर वगैरह। उधर दिखेगा आपको पहाड़िया और उधर है भाई शिव टेम्पल, शिव जी का टेम्पल ऊपर, ठीक है? तो डल लेक का पूरा सीन कुछ ऐसे है। ओके तो गाइस ये सारा सीन मेरे को काफ़ी मस्त लगा। और रियली में यहाँ पर आके ना ये एक्सपीरियंस करना काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मुंबई में तो करते हो आप लोग, मतलब मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ मेरे को काफ़ी बेटर लगी, काफ़ी अच्छी लगी। और अभी बाहर चल रहे हैं, टाइम पूरा हो गया, हम लोगों ने जितना टाइम दिया था 200 रुपये में तो पूरा हो चुका है। तो हम लोग बाहर जा रहे हैं। देन उसके बाद इधर सर्दी ना अभी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 5 बजे स्टार्ट किया हम लोगों ने, 6 बजे सर्दी हो चुकी है यहाँ पर। हम लोग सीधा जाएंगे रूम पे, क्योंकि भाई हालत मेरी ख़राब हो चुकी है ठंड की वजह से। तो कुछ नहीं पहन रखा सिर्फ इनके अलावा। और भाई ये क्या है, दुकान एक है अभी ये, चलती फिरती भाई इधर दुकान भी रहती है, समझ रहे हो आप लोग? बहुत मस्त ये एक्सपीरियंस, काफ़ी बेटर था। एंड अभी है ना कुछ ज़्यादा मतलब प्लान कर रखा है भाई ने, बट वहाँ के रास्ते में भी खुले होंगे तो हम लोग जाना मतलब बेटर करेंगे। अगर रास्ते ऑफ रहेंगे तो नहीं जा पाएंगे। बॉर्डर लाइफ एक्सप्लोर करना था उनको कि बॉर्डर पर लोग कैसे रहते हैं, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग बाहर चलते हैं और अभी कुछ खाते हैं और फिर घर पर चलते हैं रूम पे और एडिटिंग करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं। ऑलमोस्ट मैं अभी 4-5 दिन से आ चुका हूँ, पर वीडियो अभी तक एक भी अपलोड नहीं किया। अब मैं सीरीज वाइज सारे वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगा। सो गाइस आप लोगों ने तो ये देख लिया होगा, फिलहाल निकलते हैं। गाइस पूरा घूम के हम लोग रिटर्न वापस आ चुके हैं। और हाँ, ही इज वेरी ग्रेट पर्सन। नाउ अबाउट यू, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज इम्तियाज। ओके, नाइस पर्सन। सो गाइस अभी यहाँ से चलते हैं बाहर। गिव मनी नाउ। हाँ, गिव मनी, गिव मनी। अच्छा ठीक है, फोटो शूट कर लेते हैं, पैसा देते आ जा। चलो मनी तो चाहिए भाई, काम किया है भाई ने, मतलब अच्छे लगे मेरे को ये काफ़ी। और हाँ, कश्मीर के लोग सच में काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी अच्छे हैं, ये मैंने खुद से फील किया है सारा। सच में ये राइड करके ना काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आ गया। और मैं आप लोगों को बता दूं भाई, मेरा गला हो चुका है, समझ रहे हो, ख़राब हो चुका है, क्योंकि सुबह से मैं घूम रहा हूँ और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ, ये सब एक्सप्लोर करके मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग आओ कश्मीर, काफ़ी अच्छी जगह है, अपने देश है भाई। अपने देश में नहीं घूमा तो कहाँ घूमे? लोग बहुत दूर तक जाते हैं, स्विट्जरलैंड फलानी दिखाने जगह जाते हैं, बट कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस यार। चलो अभी निकलते हैं, खाना और खाएं अभी भाई, खाना खाएंगे थोड़ी देर में, चलते और फिर जाके सोएंगे, सो जाएंगे। चलो वीडियो एडिट करना ना या कल डालना भी है ना, इंतजार कर रहे हैं ना आप लोग, वेट कर रहे हो ना? वेट कर रहे हैं, चलो वेट कर रहे हैं, जल्दी वीडियो एडिट करके डालना। चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से, चलो लेट्स गो गाइस। तो गाइस फिलहाल डल लेक घूम के मैं आ चुका हूँ और अब काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो चुका था। एंड अभी मैं जा रहा हूँ भाई सोने के लिए, क्योंकि आज काफ़ी थक चुका मैं और सर्दी भी यहाँ पर काफ़ी है। -3-4 degrees टेम्परेचर अभी हो गया यहाँ पर, और -3-4 degrees में आप लोगों को पता है कितनी सर्दी होती होगी, है ना? आप लोगों को ना और भी काफ़ी अच्छे लोग देखने को मिलेंगे अभी तो, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है भाई, ठीक है? श्रीनगर कश्मीर पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।